मुंबई के चैंबूर में ढही दीवार, मलबे में दबने से अब तक 12 लोगों की मौत, 16 का रेस्क्यू जारी। मानसून सत्र से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। रिपुन बोरा का पीएम मोदी को लेटर, निश्चित प्रमाणिक की नागरिकता की जांच की मांग। पश्चिम बंगाल के टीएमसी मंत्री साधन पांडे की स्थिति गंभीर, फेफड़ों में है संक्रमण। कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी, दो दिन बाद 40,000 से ज्यादा दर्ज किए गए नए केस। उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पिछले कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से अब राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी भी जारी की है। बारिश का यह सिलसिला 22 जुलाई तक जारी रहने के आसार हैं। इसमें भी 18 से 20 जुलाई को कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। वहीं 18 से 22 जुलाई तक उत्तर भारत के अधिकांश स्थानों पर मॉनसून की अति सक्रियता भी देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश से गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलेगी। वहीं बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र में वृद्ध महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पलाना गांव में एक घर में बंद कमरे में एक वृद्ध महिला का शव मिला था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। वहीं पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल फोन और 1500 रुपए भी बरामद किए हैं। ये सब अपने ससुराल में रहती हैं, महिला के पति नहीं है और कोई चल अचल संपत्ति महिला के पास नहीं है। इस तरह से जीविकोपार्जन के लिए मंदिर के जो ऊपरी हिस्से में बना हुआ कमरा है उसमें एक आम महिला की तरह रहती थी। गांव वालों द्वारा जो चढ़ावा आज दिया जाता था उसी से इनका जीवन यापन होता था। बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में सुबह इनका शव इनके कमरे में मिला था और केवल कान से खून निकल रहा था, सिर पर लगता था डंडे की चोट पहुंचाई गई है जिससे इनकी मृत्यु हुई। पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था और लोग इसे साध्वी के रूप में प्रचारित कर रहे थे कस्बे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। वहीं बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, चोरी की घटना करने वाले तस्लीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त तस्लीम पिछले एक महीने में 4 चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से शातिर चोर तस्लीम की पहचान कर ली है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई राशि से 5,60,000 रुपए सहित एक तमंचा भी बरामद किया है। देखिए, पिछले लगभग एक माह में 4 ऐसी सनसनीखेज वारदातें शहरी क्षेत्र में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जनपद बुलंदशहर में हुई, जिसने हम सबको बहुत ही परेशान किया। और इसमें सबसे पहली घटना 23 जून को व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री अनिल देशभक्त के घर पे हुई। शाम के समय जब वो बाहर गए हुए थे, उनकी बहू अपने मायके चली गई थी और बेटा दुकान पर था। केवल कुछ घंटों के लिए घर में ताला बंद था। उनके घर में चोर ने घुस करके चोरी की। दिन में बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात में संजय पाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, जिसमें अभियुक्तों ने बताया कि मृतक संजय पाल की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर उसकी जमीन को उसका बड़ा भाई हड़पना चाहता था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं हत्या के बाद शव को खेत में फेंक दिया गया। पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।
ये एक बहुत ही सनसनीखेज तरीके से संजय पाल नाम के व्यक्ति का, जो कुड़वल बनारस थाना कोतवाली देहात रहने वाला था, उसका शव अर्धजली हुई अवस्था में ज्वार के खेत में मिला था। और इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब शव बरामद हुआ तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही, क्योंकि परिवारी जन जो थे मृतक, वो शव को पहचानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन उसके पड़ोसियों ने देखते ही बताया कि ये संजय पाल है जो कुड़वल बनारस का। तो शुरू पहले दिन से ही प्रकरण में शक परिवार पर था। परिवार के द्वारा यह बताया गया कि 13 तारीख की शाम से एक गायब था, जबकि शव की जो स्थिति थी उसे देखने से लग रहा था कि कम से कम 2 दिन पहले की ये घटना होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ कि 2 से 3 दिन पुराना शव। वही आगरा के कमला नगर में दिन दहाड़े बदमाशों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। मणपुरम गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में घुसे 4 हथियारबंद बदमाशों ने स्टाफ को बंधक बना लिया। वहां से 17 किलो सोना और 5 लाख रुपए लूटकर ले गए। साथ ही घटना की जानकारी होने पर एसएसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। वही बदमाशों का सुराग लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके आधार पर एतनापुर इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आरोपियों को दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ में आरोपियों के पैर में गोली भी लगी। वही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हर नागरिक को न्याय दिलाने के साथ ही उनकी समस्या का निस्तारण करने के प्रयास में लगे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी शीर्ष अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह अपने कार्यालय में 2 घंटा बैठकर जनहित के कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को ही रोज 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्या सुनने और उनके निराकरण के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को बड़ी राहत देने के अभियान में लगातार लगे हुए हैं। उन्होंने बीते दिनों अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार फिर से शुरू कर दिया है, जिससे कि लंबे समय से अपनी समस्या के निराकरण में लगे लोगों को राहत मिली है। वह रोज 2 घंटे अपना काम सरकारी आवास पर करेंगे और लोगों की समस्याओं को जानेंगे, साथ ही जल्द से जल्द उनके निराकरण की बात भी कही गई है। कावड़ यात्रा को लेकर इतने दिन से चल रही असमंजस की स्थिति आखिरकार खत्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार को सशस्त्र अनुमति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। सरकार अपनी ओर से यात्रा पर रोक का सख्त फैसला शायद नहीं करना चाहिए थी। कावड़ संघों से ही बातचीत की गई, इस पर संघों ने खुद ही कावड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। सावन मास की धार्मिक परंपरा के तहत 25 जुलाई से कावड़ यात्रा प्रस्तावित थी। वहीं उत्तराखंड सरकार ने तो यात्रा पर रोक भी लगा दी थी, लेकिन योगी सरकार ने इसके लिए सशस्त्र अनुमति दे दी है। निर्णय लिया गया कि कावड़ियों के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य हो। साथ ही कावड़ संघों से अपील की गई कि कम से कम श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो। इधर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका है। डेल्टा प्लस मामले कई राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक आयोजन से अधिक जीवन की सुरक्षा के तर्क के साथ सरकार को निर्देश दिए हैं कि कावड़ यात्रा की अनुमति पर पुनर्विचार की जाए। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। वहीं योगी सरकार खुद से यात्रा को स्थगित नहीं करना चाहती थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कावड़ संघों से बात की जाए और कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका का पक्ष रखें। वहीं सीतापुर के शहर कोतवाली के पूर्णागिरी कॉलोनी में मकान बेचने को लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि बेटों ने क्रिकेट बैट से मां और पिता पर वार कर दिया, जिसमें मौके पर ही मां की मौत हो गई। वहीं विवाद में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पिता ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों बेटों को हिरासत में भी ले लिया है। वहीं कन्नौज के गुड़साहायगंज कोतवाली क्षेत्र में 3 जुलाई को युवक को गोली मारी गई थी। वहीं घायल ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके
बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजन काफी गुस्सा आ गए। वहीं गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे जाम किया, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र में एक महिला अपने खेत पर काम करने गई थी, तभी तेज बारिश के साथ आकाश बिजली गिरने से महिला और राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। वहीं पास में दो लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।